हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रिप। आज आपके लिए लेके आ गए हैं सिट्रन की C5 एयरक्रॉस। दोस्तों 1919 की ये कंपनी है जिसने 2021 में इंडियन मार्केट को एंटर किया है अपनी पहली गाड़ी C5 एयरक्रॉस के साथ। तो आज के इस वीडियो में दिखाएंगे आपको कि क्या है खास आखिर इस C5 एयरक्रॉस में, बताएंगे इस गाड़ी के कुछ एस्पेक्ट्स जो शायद आपको किसी ने ना बताए हों। उसके अलावा दोस्तों अब दूसरी गाड़ी भी सिट्रन बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में लेके आने वाला है C3 के नाम से। तो चलिए आज देखते हैं C5 कैसी दिख रही है। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ इस गाड़ी की सेगमेंटेशन की। तो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की ये गाड़ी है, जो कि कहीं ना कहीं अगर इंडियन मार्केट में देखें तो इसके प्राइमरी दो कॉम्पिटिटर्स मैं आपको बता सकता हूँ। एक है जीप की कंपस और दूसरी है हुंडई की टूसॉन। दोस्तों ये दोनों ही गाड़ियाँ लगभग सिमिलर प्राइस ब्रैकेट में और सिमिलर चीज़ें आपको प्रोवाइड कराती हैं। इंटरनेशनली कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आपको, और ये गाड़ी, ये ब्रांड फ्रेंच है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स टॉप नॉच आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों वॉक अराउंड शुरू करने से पहले इस गाड़ी के प्राइस और वेरिएंट्स की डिटेल्स आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है इसका शाइन वेरियंट डुअल टोन ऑप्शन के साथ, और इसमें एक और लोअर वेरियंट आता है फील। इस गाड़ी के पर्टिकुलर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके प्राइस की अगर बात करें तो दोस्तों इसका प्राइस आता है लगभग 32 लाख रुपीज़ एक शोरूम। एग्जैक्टली आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्राइजेस की सर्कुलेशन चलती रहती है। बाकी दोस्तों PSA ग्रुप की जहाँ बात करते हैं तो कई सारे लग्जरी ब्रांड्स इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं इस गाड़ी के अंदर जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, जो पार्ट्स, जो इंजन दिया जा रहा है वो सभी चीज़ें बड़ी बड़ी ब्रांड्स से शेयर करी जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं एक एक एस्पेक्ट जो कि आपको जानना ज़रूरी है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके वॉक अराउंड को। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ इसकी की। तो क्लोज लुक पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की इस गाड़ी की दिखाई देती है। फिजिकल की भी इसी के अंदर है, और लॉक, अनलॉक और बूट रिलीज के बटन यहाँ दे दिए गए हैं। चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा आ जाते हैं गाड़ी की फ्रंट लुक पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डार्क क्रोम का यूज़ आपको देखने को मिलेगा, और ये ग्रिल DRL से ज्वाइन होती हुई सेंटर में आपको देती है सिट्रन का लोगो। दोस्तों ज़्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि इस गाड़ी पे ये लोगो है, तो ये इसकी एक खास और यूनिक एलिमेंट है। उसके अलावा इसके सराउंड में आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक टचेज है। माफ़ी चाहूँगा गाड़ी थोड़ी गंदी हो गई है क्योंकि कुछ ही टाइम पहले बारिश हुई थी। और नीचे आएंगे यहाँ पे भी पियानो ब्लैक के साथ नॉर्मल क्रोम का यूसेज किया गया। एयर डैम यहाँ पे दे दी गई है, नंबर प्लेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो अगेन एयर डैम दे दी गई है। बाकी दोस्तों ये राउंडेड एलिमेंट्स आप देखेंगे तो ये डिज़ाइन लैंग्वेज के और एरोडायनामिक्स के हिसाब से बनाए गए हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं तो सिल्वर सराउंड इनमें दे दिया गया है। बाकी दोस्तों बात करते हैं ओवरऑल फ्रंट लुक की, तो काफ़ी अच्छी लुक निकल के आती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं गाड़ी में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो LED DRLs डुअल फंक्शन ऑफ टर्न इंडिकेटर यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, आप देख सकते हैं। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दी गई है LED के अंदर लाइट्स। और नीचे चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक एयर कर्टन दिया गया, और यहाँ पे दिए गए हैं इसके फॉग लैंप्स। चलिए अब चलते हैं साइड लुक की तरफ। अब दोस्तों फ्रंट में जो थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स रह गए हैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस गाड़ी का डिज़ाइन एलिमेंट पूरी तरह से राउंडेड फिगर्स में दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इवन इसकी क्रीज लाइंस जो दी गई हैं वो भी राउंडेड है। आगे आ जाते हैं वाइपर्स की तरफ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके कहीं भी आपको वाइपर वॉशर नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो इंटीग्रेट किए गए हैं वाइपर्स के अंदर ही। यहाँ पे आप देखेंगे तो रेन सेंसिंग वाइपर का सेंसर यहाँ पे दे दिया गया है। और रूफ़ की बात साइड लुक में करेंगे तो चलिए अब आपको ले आते हैं साइड लुक पे। अब यहाँ से देखेंगे तो क्लैडिंग स्टार्ट होके और पूरी 360 डिग्री क्लैडिंग इस गाड़ी के अंदर आपको दिखाई देती है। चलिए दोस्तों अब साइड लुक पे आ चुका हूँ। टायर की बात करेंगे हम पीछे, फ्रंट में डिस्क ब्रेक तो सभी गाड़ियों में आती है तो वो चीज़ यहाँ पे हाईलाइट नहीं करूँगा। उसके अलावा डोर के नीचे वाले एरिया पे अगर आप देखें तो राउंडेड इंसर्ट्स और साथ में उसमें सिल्वर इंसर्ट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी रखी गई है गाड़ी की। और ORVM की तरफ जब आप आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ ये ORVMs दे दिए गए हैं, जिसके अंदर यहाँ कॉर्नर में आप देखेंगे तो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी आपको
दिखाई देगा। चलिए इन्हें बंद करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रोम सराउंड दे दी गई है एक सी शेप फॉर्मेशन में, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। साथ ही आपको रूफ रेल्स इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है। और रूफ की तरफ आएंगे तो ये डुअल टोन वाली गाड़ी है, आप चाहें तो इसे सिंगल टोन में भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको देखने को मिलेगी पैनोरामिक सनरूफ, और आप चाहें तो अपनी चाबी से अपने शीशे वगैरह रोल डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों पैनोरामिक सनरूफ की बात इंटीरियर से ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। अब दोस्तों आपको दिखा देते हैं, कीलेस एंट्री का फंक्शन भी इस गाड़ी में दे दिया गया है। की मैंने यहाँ रखी है आपके सामने, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं दो लाइंस, ये सेंसर है। आप यहाँ पे की यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। आ जाते हैं पीछे की तरफ, बी पिलर आपको पियानो ब्लैक में फिनिश देखने को मिलेगा। और ग्लास एरिया आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ग्लास एरिया और एक फ्लोटिंग रूफ वाला डिज़ाइन ये अपने साथ कैरी करती है। बाकी दोस्तों ग्लास एरिया आपने देख लिया। राइट साइड में इसकी फ्यूल फिलर कैप है जिसकी कैपेसिटी है 52.5 लीटर्स की, और एड ब्लू भी आप यहीं से डलवा सकते हैं। इंजन की बात अभी आगे चल के करेंगे, ये एक डीजल गाड़ी है। बाकी आ जाते हैं टायर्स की तरफ, तो यहाँ आप देख सकते हैं 235 55 R18 के स्वेल अलॉय व्हील्स, सिट्रोन इन्हें बोलती है, और काफ़ी अच्छे ये दिखाई देते हैं। बाकी दोस्तों सस्पेंशन इस गाड़ी के काफ़ी अच्छे रखे गए हैं अगर इस गाड़ी की सेगमेंटेशन के हिसाब से बात करें। चलिए अब सीधा आ जाते हैं रेयर की तरफ और आपको बताते हैं इस गाड़ी के सभी एस्पेक्ट्स। तो दोस्तों रेयर में अगर आप इस गाड़ी पे एक लुक डालेंगे तो दोस्तों रेयर से फिर भी इस गाड़ी की पहचान आप कर पाएंगे। उसका रीज़न है सेंटर में ये जो लोगो है। दोस्तों फ्रंट में ग्रिल में इंटीग्रेट होने के कारण ज़्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते, बट रेयर में एटलीस्ट लोगो दिया गया है। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो C5 एयरक्रॉस की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। सेंटर में नंबर प्लेट लगाई गई है और कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी गई है। उसके अलावा रूफ़ आप देखेंगे तो स्लोपिंग रूफ डिज़ाइन यहाँ पे दिखाई देगा। एक स्पॉयलर टाइप की फिनिश यहाँ दी गई है, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, रेयर डिफॉगर और वाइपर यहाँ पे दे दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो इन टेल लैम्प्स की अगर बात करें तो एक 3D लुक फॉर्मेशन के साथ ये टेल लैम्प्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी लगते हैं। बाकी आपके रिवर्स लैम्प और इंडिकेटर यहाँ पे हैलोजन में दिए गए। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे भी एक एयर कटिंग के लिए मेरे ख्याल सेक्शन दिया गया है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट है। इसमें फ्रंट में भी और रेयर में भी 6-6 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। ये एरिया आप देखेंगे तो ये क्लैडिंग टाइप की फिनिश दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है और सूट करती है इस गाड़ी पे। बाकी दोस्तों अब आ गया हूँ दूसरी साइड, तो फ्यूल फिलर कैप तो वहाँ पे आपको दिखा दिया था, बट एक स्ट्रेंज चीज़ इस गाड़ी में दिखाता हूँ। डोर हैंडल पे यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल रहे हैं, और आप देखेंगे तो डोर्स ओपन हो चुके हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है की से। अब दोस्तों आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये जो लिवर आप देख रहे हैं इससे आपका बोनट रिलीज़ होता है, यानी कि यहाँ पे बोनट रिलीज़ आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है। अब दोस्तों जब बोनट रिलीज़ कर ही लिया है हमने, तो बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेक्स की और इंजन डिटेल्स की। तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, इंजन बे आपको थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, पानी वगैरह नहीं लगवाया मैंने इंजन बे में, क्योंकि बारिश का टाइम है और ये एक CBU कार है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों DW10 FC इंजन इस गाड़ी के अंदर आता है, जो कि एक 2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन है। आपको प्रोवाइड कराता है 177 PS की पावर और साथ में 400 NM का टॉर्क। बाकी दोस्तों 8-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही इसके अंदर आता है, कोई मैनुअल का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। माइलेज की बात करें तो 18.6 का क्लेम्ड माइलेज है इस गाड़ी का। बाकी दोस्तों उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरहुड इंसुलेशन दी गई है। इवन अगर आप इंजन बे पे जो कवर दिया गया है उसकी बात करें तो ये भी फैब्रिक के अंदर दिया गया है, जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अगर आप बॉडी पैनल्स की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है। बाकी इंसुलेशन की और NVH लेवल्स की बात हम करेंगे अपने ड्राइव रिव्यू के अंदर। चलिए ये तो बात हो गई एक्सटीरियर की, बूट स्पेस दिखा के चलते हैं इंटीरियर की तरफ और वहाँ बताते हैं आपको बाकी एस्पेक्ट्स। चलिए दोस्तों अब जो बारी रह गई है वो बारी है बूट की। तो मैंने टेल लाइट्स आपके लिए वैसे ऑन कर दी है, और इसमें आप स्वाइप करके भी अपने बूट का एक्सेस ले सकते हैं। बाकी इसमें जो मैक्सिमम बूट कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी सेकेंड रो को पूरी तरह से फोल्ड करने के बाद, वो है 1630 लीटर्स की। दोस्तों मायने रखता है इतनी स्पेस एक गाड़ी के अंदर होना, वो भी इस साइज़ की। उसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं बूट के बाकी एस्पेक्ट्स की, बट पहले मैं सीट्स को फोल्ड कर देता हूँ वापस से।
तो गाड़ी को करना पड़ेगा अनलॉक और रिक्वेस्ट सेंसर का यूज़ कर लेते हैं। गाड़ी अनलॉक हो चुकी है दोस्तों। बाकी इसमें 3 सीट्स आती हैं बैक में और कोई आर्मरेस्ट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। बाकी दोस्तों नॉर्मली कुछ इतनी स्पेस आपको देखने को मिलेगी जो कि होती है 580 लीटर की, और 580 लीटर की स्पेस भी काफ़ी है एक इस साइज़ की गाड़ी के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो बूट लैंप है जो कि अभी ऑफ हो चुका है क्योंकि काफ़ी देर से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये बैटरी सेविंग फीचर है। एक यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलेगा। उसके अलावा बूट में हुक्स आप देखेंगे तो एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा कभी होल और एक हुक और देखने को मिल जाएगा दोनों ही साइड। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा 235/55R18। अलॉय व्हील दिया गया है दोस्तों, कॉस्ट कटिंग यहाँ पे नहीं करी गई है। टूल किट भी प्रॉपरली बिठाई गई है और ट्रायंगल भी यहाँ पे दे दिया गया है। उसके अलावा बात करते हैं तो पार्सल ट्रे यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर कवरेज कर दी गई है और यहाँ पे आप चाहें तो एक्सेस ले सकते हैं बूट का अंदर से भी इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। उसके अलावा यहाँ पे मैनुअल पकड़ने के लिए दिया गया है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक बूट रिलीज दिया गया है तो इस बटन को प्रेस करके आप बूट को इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब बारी आ गई है इंटीरियर पे आने की। बाहर के सभी एस्पेक्ट्स आपको बता दिए हैं, बूट स्पेस दिखा दिया है, इंजन दिखा दिया है, तो आ जाते हैं इंटीरियर की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर पैनल की। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है। नीचे आएंगे तो अगेन राउंडेड थीम आपको देखने को मिलेगा, आप ये देख सकते हैं, और डोर हैंडल सैटिन सिल्वर फिनिश में। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक राउंडेड फिनिश दी गई है डैशबोर्ड को इंटीग्रेट करने के लिए। नीचे आएंगे तो यहाँ पे विंडो कंट्रोल्स, ORVM कंट्रोल्स और ORVM फोल्डिंग फंक्शन के साथ आ रहे हैं। विंडोज़ ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ है, विंडो लॉक। उसके अलावा दोस्तों ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये ग्रैब हैंडल दिया गया है। यहाँ पे कोई ऐसी कवरिंग नहीं दी गई है कि मैं इसे कॉइन होल्डर बोल पाऊँ। पियानो ब्लैक का टच है और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ग्रे लेदर की फिनिश करी गई है। यहाँ पे स्टिचिंग भी आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पे प्लास्टिक में हल्के से टचेस दिए गए हैं जो कि राउंडेड एहसास करा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो स्पीकर्स की प्लेसमेंट है और दोस्तों ये एरिया बॉटल होल्डर आप कह भी सकते हैं और नहीं भी, बट इस तरीके से बॉटल आपको यहाँ पे फिट करनी पड़ेगी। उसके अलावा आ जाते हैं अब इंटीरियर की तरफ। तो सबसे पहले इस एरिया से स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देखेंगे कुछ इस तरीके के डिज़ाइन के AC वेंट्स हैं जिनमें क्रोम का टच और पियानो ब्लैक का टच दिया गया है। आप इन्हें ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और नीचे आ जाते हैं तो ये दिया गया हेडलैम्प लेवलर, यहाँ से आप बूट रिलीज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लॉक वगैरह के फंक्शन दे दिए गए हैं, छोटा सा कभी होल है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रेक पेडल्स और एक्सेलरेटर पेडल, माफ़ी चाहूँगा थोड़े गंदे हो रहे हैं, डेड पेडल दे दिया गया और ये मेटल में फिनिश्ड है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी हुड अनलॉक करने की जगह नहीं मिलेगी क्योंकि लेफ्ट साइड से होता है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। और यहाँ पे भी कोई जगह नहीं मिलेगी किसी भी चीज़ को ओपन करने की। अब स्टेयरिंग पर आप नज़र डालेंगे तो दोस्तों पहले की को रख देते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं काफ़ी इजीली। तो स्टेयरिंग व्हील टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आ रहा है। और अब आपको लेके आते हैं दूसरी तरफ से और दिखाते हैं इसका पूरा इंटीरियर। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं स्टेयरिंग की। तो ये जो स्टेयरिंग आप देख रहे हैं दोस्तों ऊपर से भी थोड़ा सा चॉप्ड है और नीचे से भी चॉप्ड है। प्रॉपर राउंड ऐसे नहीं बोल सकते बट डी कट भी नहीं बोल सकते, ये दोनों साइड से डी कट स्टेयरिंग दिया गया। स्टेयरिंग का साइज़ काफ़ी छोटा लग रहा है मुझे एज़ कम्पेयर टू बाकी गाड़ियाँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है फील में पकड़ने में। उसके अलावा लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील है, सिट्रन की बैजिंग और एयरबैग की बैजिंग यहाँ पे कर दी गई है। हॉर्न काफ़ी अच्छी विस्लिंग के साथ आ रहा है। ये आप देखेंगे तो दोस्तों राइट साइड में आपको दिए गए म्यूज़िक सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल, जो कि थोड़ा सा ऑड है। अगर आप म्यूज़िक सिस्टम की तरफ नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा। और लेफ्ट साइड वाले जो कंट्रोल्स दिए गए वो हैं दोस्तों आपके MID से रिलेटेड, आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये प्लस और माइनस वाले जो लिवर्स आप देख रहे हैं, पैडल शिफ्टर्स आते हैं इस गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे एक छोटा लिवर जो आपको दिखाई दे रहा है ये दिया गया है क्रूज़ कंट्रोल और साथ ही लिमिटर फंक्शन के लिए। उसके अलावा यहाँ से आपके हेडलैम्प एडजस्ट होते हैं। और यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पे लिवर दिया गया है आपके वाइपर्स का। दोस्तों ऑटो वाइपर्स ऑटो हेडलैम्प्स वगैरह इस गाड़ी के अंदर आते हैं। और एक कमी बता देता हूँ दोस्तों, ये आप देखेंगे मैंने स्टेयरिंग मोड़ दिया
बट पैडल शिफ्टर अपनी जगह पे ही है। तो अगर आप मैनुअल मोड यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर ये पैडल शिफ्टर आपको परेशान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको ले जाते हैं MID की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक चेक बटन आपको देखने को मिल रहा होगा और आप यहाँ से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो बटन आप देख रहे हैं, यहाँ से भी आप कुछ एडजस्टमेंट इस गाड़ी की कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल एज पे आपको एक बटन दिया गया जिससे आपका मीटर टॉगल होता है। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको डायल्स, पर्सनल, मिनिमम, मीडियम कुछ ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पर्सनल में आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। उसके अलावा मिनिमम कर देता हूँ तो दोस्तों कम से कम इन्फॉर्मेशन ये आपको देगा मिनिमम में। और अगले पे चलते हैं डायल्स पे, तो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा मीटर आपको दिखाई देगा और ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं पर्सनल, मिनिमम और डायल्स के। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे गियर, यहाँ पे आपको डिजिटली स्पीड दिखाई जाएगी और यहाँ पे ट्रिप डिटेल्स और यहाँ दिया गया है फ्यूल की डिटेल्स। RPM मीटर यहाँ पे लगाया गया है। चलिए अब आ जाते हैं सेंटर कंसोल की तरफ। तो सेंटर कंसोल में ये जो एरिया है पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस गाड़ी का। ये जो दोनों साइड के AC वेंट्स है और साथ ही ये टच स्क्रीन है, काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है। ओवरऑल 8 इंच का ये टच स्क्रीन सिस्टम है। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल रहा है, बट ये जो एरिया है आप स्टिचिंग देख सकते हैं, ये सॉफ्ट टच लेदर में दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ जितने भी कंट्रोल्स आप देख पा रहे हैं ये सभी टच बेस्ड कंट्रोल्स हैं। और एक बार आप लुक ले सकते हैं तो आप ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं और काफ़ी स्लीक टच या फेदर टच इन्फॉर्मेशन के साथ ये आते हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी इजीली ये काम कर रहे हैं। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक नॉब दे दिया गया है वॉल्यूम के लिए। उसके अलावा डिफॉगर्स के बटन, यहाँ पे एयर सर्कुलेशन और ऑन या ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं अपने AC को। उसके अलावा लॉक गाड़ी यहाँ से उसे और ऑटो ऑन ऑटो ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। हज़ार्ड लैम्प स्विच यहाँ पे दे दिया गया है। और नीचे आते हैं तो 12 वोल्ट सॉकेट और एक USB सॉकेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्लस कुछ इतनी जगह है कि यहाँ पे आप अपना फ़ोन इजीली लगा पाए। फ़ोन को निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे एक रबराइज फिनिश दी गई है जिससे फ़ोन की ग्रिप सही रहती है। स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे लगाया गया है जो कि थोड़ा सा मेरे को आउट ऑफ प्लेस लगा और थोड़ा सा इंटीग्रेटेड है ये पैसेंजर साइड पे। उसके अलावा ड्राइव मोड्स की बात करें तो ये आप देखेंगे इको मोड ऐसे ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है, स्पोर्ट मोड ऑरेंज लाइट ऑन हो जाती है और यहाँ पे बटन दे दिया गया है आपके हिल डिसेंट कंट्रोल का, ऑफ कर देते हैं ऐसे अभी के लिए। उसके अलावा इस रोटरी नॉब पे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना ESP सिस्टम एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा सैंड मोड इसमें दे दिया गया, मड मोड इसमें दे दिया गया, स्नो मोड इसमें दे दिया गया और नॉर्मल मोड इसके अंदर आता है। चलिए अब आ जाते हैं अपने गियर लिवर की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों ये P का जो बटन दिया गया है ये पार्किंग के लिए, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, और ये वाला बटन आप अगर देख पा रहे हो तो इस बटन के थ्रू आप टॉगल कर सकते हैं अपने गियर्स को कुछ इस तरह से। चलिए रिवर्स पे डालते हैं गाड़ी को और आपको दिखाते हैं रिवर्स कैमरा कैसा फंक्शन कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा गंदा हो रहा है कैमरा इस टाइम, बट गाइडलाइंस वगैरह की बात करें तो प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ ही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए अब अगर आपको पार्किंग में लगाना है तो आपको सिंपली P का बटन प्रेस करना है और आपकी पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक है यहाँ पे दी गई है, छोटा सा कभी होल यहाँ पे भी है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्विन कप होल्डर्स जिनमें वाइट लाइट दी गई है और दोस्तों यहाँ पे कप्स या बॉटल फिट करने के लिए ये लगाए गए हैं छोटे से। उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर की स्लॉट इन कर जाते तो यहाँ पे की हिलती नहीं है और बार बार आपको रैटलिंग सुनाई नहीं देती। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके के रबराइज पैड्स लगाए गए जिससे आपकी गाड़ी मेंटेन करने में थोड़ी इजी रहे। बाकी दोस्तों ये एरिया की अगर बात करें तो ये एरिया थोड़ा सा रबराइज फील हो रहा है मुझे। यहाँ पे प्रॉपर लेदर लगाया गया है और यहाँ पे बटन दिया गया है आपको जिससे आप अपना आर्मरेस्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रे दी गई है, अंदर लाइट दी गई है और दोस्तों अंदर की अगर स्पेसिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ 1 लीटर की बॉटल है मेरे पास और आप देख सकते हैं इजीली बॉटल भी यहाँ पे फिट आ जाती है। कितना डीप है ये तो आप देख सकते हैं, मेरा हाथ ऑलमोस्ट पूरा अंदर जाने के बाद भी जगह बच रही है और इल्यूमिनेटेड होना इसकी सबसे अच्छी बात है।
चलिए बॉटल निकाल देते हैं, कुछ इस तरीके से आप इसे क्लोज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो वैनिटी मिरर दिया गया दो लाइट्स के साथ। यहाँ पे आएंगे तो IRVM ऑटो डिमिंग दिया गया। यहाँ पे आपको एयरबैग की वार्निंग वगैरह दिखाई देगी और ये पांचों ही सीट्स के लिए अवेलेबल है। बाकी दोस्तों केबिन लैंप्स LEDs में दिए गए हैं, दो स्पॉटलाइट्स हैं और एक केबिन लैंप दिया गया। बाकी ये आप देख सकते हैं तो ये दोनों कंट्रोल सनरूफ के लिए दिए गए। अब आ जाते हैं पैसेंजर साइड डैशबोर्ड की तरफ। एयरबैग की वार्निंग यहाँ पे दे दी गई है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक मिरर विद ट्विन लाइट्स। चलिए इसे बंद करते हैं। दोस्तों एक यूनिक चीज़, ग्रैब हैंडल अगर आप देखेंगे तो ड्राइवर साइड ज़्यादातर गाड़ियों में नहीं आता है, बट इसके अंदर दे दिया गया। अब आ जाते हैं पैसेंजर साइड की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लेदर नहीं है दोस्तों, बट ये हल्का सा पैच लेदर का लगाया गया है। ये रबराइज फिनिश है, ये हार्ड प्लास्टिक है। चलिए डैशबोर्ड दिखा देते हैं। तो दोस्तों डैशबोर्ड के अंदर अभी हमारा कुछ सामान पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पे एक लाइट दे दी गई है और स्पेसिंग ठीक ठाक है, कोई बहुत अच्छी स्पेसिंग यहाँ पे नहीं है। चलिए दोस्तों ये कुछ था फ्रंट के बारे में। अब सीट एडजस्ट कर लेता हूँ मैं अपने ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से और फिर चलते हैं बैक सीट पर, देखते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराई गई है। चलिए दोस्तों चलते हैं बैक सीट पे। अब दोस्तों पीछे जाने से पहले आपको दिखा देता हूँ एक बार सनरूफ का व्यू और लुक कैसा आ रहा है। तो दोस्तों कुछ इतना एरिया है जो ओपन होता है और रियर में आप देख सकते हैं मूनरूफ भी इसके अंदर दे दी गई है। बाकी चलिए अब चलते हैं पीछे की तरफ। तो दोस्तों इनग्रेस आउटग्रेस मेरे को ठीक ठीक लगा यहाँ पे और एडजस्टमेंट देख लेता हूँ। तो जी हाँ, यहाँ पे हल्की फुल्की एडजस्टमेंट है और आप आगे और पीछे भी कर सकते हैं इन सीट्स को, बट आगे करने के बाद तो लेग रूम बचा नहीं है। अगर पीछे रखते हैं तो कुछ इतना लेग रूम है 2.5-3 इंच का। मूनरूफ का व्यू यहाँ से अच्छा आ रहा है, सनरूफ का व्यू अच्छा आ रहा है। सीट्स की अगर बात करें तो फैब्रिक और लेदर में सीट का काफ़ी अच्छा मटेरियल रखा गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट नहीं आता है, 3 प्रॉपर सीट्स दी गई हैं जो कि थोड़ी सी पतली है। आप जानते हैं मैं थोड़ा सा ब्रॉड हूँ तो यहाँ पे ये प्रॉपर आर्मरेस्ट का काम भी नहीं करता है, बट प्रॉपर कंफर्ट प्रोवाइड कराने में भी ये थोड़ी सी परेशानी मेरे को कर रहा है। हालांकि यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं और पीछे आप देख सकते हैं पार्सल ट्रे दी गई है। केबिन लैंप्स की बात करें तो 2 स्पॉटलाइट और 1 केबिन लैंप तीनों ही LEDs के अंदर दिए गए हैं। क्वार्टर ग्लास आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे व्यू के साथ आ रहा है। बाकी सीट बैक में पॉकेट्स हैं, रेयर AC वेंट्स आप देख सकते हैं और नीचे देखेंगे तो एक USB सॉकेट दिया गया। बाकी रेयर से इंटीरियर का लुक कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। तो दोस्तों देखा आपने एक डिटेल्ड वॉकअराउंड सिट्रन C5 एयरक्रॉस का। होप करता हूँ आपको कुछ चीज़ों पर क्लैरिटी मिल पाई होगी, कुछ चीज़ें समझ आ पाई होंगी। अब बता देता हूँ मेरा क्या टेक है इस गाड़ी पे। दोस्तों लगभग 37-38 लाख ऑन रोड ये वाली गाड़ी, ये वाला वेरिएंट कॉस्ट करता है जो मैंने आपको दिखाया। दोस्तों यूनिकनेस से अलग गाड़ी में कई सारी चीज़ें एस्पेक्ट ऐसे हैं जो आप जब तक चलाएंगे नहीं तो मेरी ज़बानी आपको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगेंगी बातें। तो पहली रिक्वेस्ट तो मेरी ये रहेगी कि अगर आप कंपस या टूसॉन जैसी कोई गाड़ी देख रहे हैं और 1-2 लाख रुपये आपके लिए बड़ा मैटर नहीं करता, क्योंकि कंपस का टॉप एंड वेरियंट लगभग 29-30 लाख रुपए एक शोरूम पे और ये गाड़ी भी लगभग 32 लाख रुपए एक शोरूम पे आपको मिल जाती है। तो अगर आपके लिए 2-3 लाख रुपए बड़ा मैटर नहीं है और आप एक यूनिक गाड़ी चाहते हैं, प्रीमियम गाड़ी चाहते हैं, बेटर बिल्ड गाड़ी चाहते हैं तो आप इसकी तरफ ज़रूर नज़र बना सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।